फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस JKSSB पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रेपरेशन एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद करंट अफेयर्स पोर्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिरदोस एक्सप्लेन्स। आज बहुत टाइम बाद मैं आपके सामने आया हूँ। आई वॉज रियली बिजी विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं नहीं आ पाया। एंड कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं कि जो JKSSB ने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर के 800 पोस्ट एडवर्टीज किए हैं, वो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट दे आर एंथुजियास्टिक इन सिटिंग इन दिस एग्जामिनेशन और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। सो दे हैव बीन आस्किंग फॉर वेरियस थिंग्स, लाइक कि जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया हुआ है JKSSB ने इस एग्जाम के लिए, कौन सा मटेरियल कंसल्ट करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए। सो देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट कोई एक किताब इस एग्जाम के लिए सफिशियंट नहीं है। सो आई थॉट कि रादर देन टेक्स्टिंग और गिविंग इंडिविजुअल एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स, आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस इनिशिएटिव, जहाँ पर मैं एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान शेयर करूँ आपके साथ और एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इस पूरे सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना प्रोफेशनली और एग्जाम ओरिएंटेड हम जो है इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस फर्स्ट, और लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट, ये 18th of December 2021 को आ गया है ये वाला सिलेबस। देयर आर 120 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे एंड द एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। इस पूरे सिलेबस को इन्होंने 14 सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट्स करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने हैं। सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपको कवर करना है। एंड द थर्ड इज इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी पे स्ट्रेस देना है। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एट्सेट्रा कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस सिलेबस है ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव जो है जनरल स्टडीज़ का एमलगमेशन है, जिसको आपको केयरफुली कवर करना है, ताकि जो सारे पोर्शंस हैं सिलेबस के उन पे आपका होल्ड बन जाए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इवनली जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। तो दैट्स वेरी क्रिटिकल। फिफ्थ पोर्शन इसमें आता है JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर एडेप्टेशन ऑर्डर्स इशूड दियर अंडर। जो 2019 का JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके तहत स्टेट ऑफ JNK को बाइफरकेट किया गया था इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस एक्ट को आपको स्टडी करना है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होगा लेटर ऑन। एंड देन देयर इज सिक्स कंपोनेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आता है। तो इस पोर्शन को भी आपको कवर करना होगा। देन देयर इज सेवेंथ कंपोनेंट दैट जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज जो जो एनवायरमेंटल
इकोलॉजी, ये क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन है, इसके रिगार्डिंग आपको जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जो करंट में जो क्लाइमेट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है. सो वी विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो. देन देयर इज एट कंपोनेंट जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश में आपका वही बेसिक से आपको जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह जो फिल इन द ब्लैंक्स और यूजेज ऑफ लेटर्स एंड ग्रामेटिकल वो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करना है. दैट विल ऑल्सो कवर. देन देयर इज नाइन्थ पोर्शन, दैट्स इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. तो इट्स इसमें यही पैसेज वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो दिस पोर्शन विल ऑल्सो बी कवर्ड. देन देयर इज जनरल साइंस. जनरल साइंस में आपको वही क्लास टेंथ के जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी अच्छे से कवर करना होगा. एंड देन देयर इज नंबर 11, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट एंड देयर यूजेज. सो रिलेटेड टू कंप्यूटर यू हैव टू ऑल्सो यू नो अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट टर्म्स एंड अदर थिंग्स. So these questions will also be asked in your examination. Then there is 12th component, that is general mental ability. Mental ability pe bhi questions aayenge. And then there is 13th, that's logical reasoning and analytical ability. And 14th, that is basic numeracy. Isme aapko data interpretations pe question puche jayenge. Isme charts hain, graphs, tables, data sufficiency. To ye 10th level ke क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो इसमें मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा कि रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे स्टेट्स आया था, मेरे एक फ्रेंड ने रखा था. उसने ये सिलेबस अपने स्टेट्स पे डाला था. ही हैड रिटन नो डिफरेंस एट ऑल, दिस एग्जाम शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम JKSSB टू UPSC. सो एंड राइटली सो, ये सिलेबस इतना कॉम्प्रहेंसिव है कि कोई भी फील्ड का जो बंदा है, चाहे साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग से हो, नोबडी हैज़ एनी एज ओवर द अदर. एंड द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू क्वालिफाई दिस एग्जाम इज वर्किंग वेरी हार्ड, कवरिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट गिवन इन द सिलेबस एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. And that's the only thing that can take you through this examination. So from tomorrow, we are going to start this JKSSB Police Sub-Inspector exam preparation. And I'll be starting with the current affairs portion. And then other portions will follow, like Indian history and Indian National Movement, etc. And subsequently, other portions will be covered in due course of time. So thank you so much for watching this video, and please share this video with your friends and those who are preparing for this examination and other JKSSB examinations, because these videos are going to be very important and very helpful in all the examinations conducted by Services Selection Board. And if you haven't subscribed our channel till now, please subscribe our channel and hit the bell icon so that every new video will surface on your screen whenever it gets uploaded. Thank you so much.